हेलो एवरीवन, कैटनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्शिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट्स कब और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप चार्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर पे वेरियस चार्ट्स रहेंगे, लाइक कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट्स, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, सरफेस, लाइक बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो वेरियस तरीके के इधर पे चार्ट्स हैं, तो दूसरे दूसरे अलग अलग फॉर्मेट्स में हम अलग अलग तरह के लाइक चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करके बताऊँगी। कॉलम चार्ट्स हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? कॉलम चार्ट कैटेगरीज कंपेयर करने के लिए, आप अलग अलग कोई भी एक कैटेगरी रहता है उस कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए हम कॉलम चार्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक चार्ट इधर पे इंसर्ट किया है, तो फर्स्ट मुझे डेटा इधर पे ऐड करना है। डेटा ऐड करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट इधर पे क्या होता रहेगा, इंसर्ट होता रहेगा। अभी मैं एक्सेल में जाके इंसर्ट कर लूंगी, लाइक इधर पे जैन, इधर पे मैं लाइक मंथ ऐड कर रही हूँ, तो मैं इधर पे एक फ्रूट का एवरेज प्राइस आपको बना के दिखाऊंगी। इधर पे मंथ्स ऐड कर रही हूँ और इधर पे फ्रूट्स ऐड कर लूंगी। अब देख सकते हो मैं इधर पे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैं आपको बताऊंगी लाइक कैसे वो आपको अलग करके बताना है। तो मैं इधर पे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, लाइक इधर पे मैं लाइक 40, इधर पे एक 50, इधर पे एक 25, इधर पे एक 30, मैं अलग अलग चेंज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो चार्ट ऑटोमेटिकली इधर पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी करके आप चार्ट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको क्या करूँगी, कैंसिल कर दूंगी। इसको कैंसिल करने के बाद आप अभी इधर देख सकते हो, अभी मैं इसको हाईलाइट करूँगी तो ऐसे चार्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट बोलते हैं। अगर आप इस चार्ट का लाइक डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो चार्ट टाइल चेंज कर सकते हो। आपको कौन सा चार्ट टाइल चाहिए वो चार्ट स्टाइल इधर पे आप ले सकते हो। बहुत सारे चार्ट स्टाइल्स हैं, आपको कौन सा चार्ट स्टाइल इसमें इंसर्ट करना है वो चार्ट स्टाइल आप इधर पे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ट लेआउट्स का। चार्ट लेआउट्स में जाके आपको कौन सा चार्ट लेआउट चाहिए वो चार्ट लेआउट आप इधर पे इंसर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल पर इधर पे देखिए, मैंने टेबल भी इंसर्ट किया है, इसके साथ चार्ट भी इंसर्ट किया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली इधर पे आप चेंज कर सकते हो। इस सिंबल में क्लिक करोगे तो वेरियस चार्ट्स रहेंगे। कोई भी आपको चार्ट इंसर्ट करना हो तो डायरेक्टली आप इधर पे क्या कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा क्या कर सकते हो, आप कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट अब मैंने आज आपको डिजाइन में कैसे चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और कैसे चार्ट लेआउट चेंज कर सकते हैं आज बताया है। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चार्ट्स को कैसा चेंज करना है, चार्ट्स में वेरियस सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चार्ट्स में हम न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे सेटिंग्स हम चार्ट में कर सकते हैं, वो चार्ट में कैसा करेंगे मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय।